और भाई लोग, क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग सब? एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। यहाँ पर पोर्ट्रेट का मतलब फोटो या पेंटिंग नहीं है, यहाँ पर पोर्ट्रेट का मतलब है डिस्क्रिप्शन। एक लेडी के लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि हमारे राइटर खुशवंत सिंह की दादी जी हैं। जी हाँ यार, हमारे राइटर खुशवंत सिंह यार अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि उनकी दादी यार कैसी थी, वो कैसी दिखती थी, वो क्या क्या करती थी, इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में। तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं। हमारे राइटर खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी बिल्कुल यार औरों की दादी की तरह थी, बूढ़ी और उनके चेहरे पर रिंकल्स थे, और लगभग 20 सालों से ना वो वैसा ही दिख रही है जब से मैं उनको जान रहा हूँ। कुछ लोग कहते थे कि एक समय पर मेरी दादी जवान और खूबसूरत हुआ करती थी, और उनका एक पति भी था, लेकिन यार मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि यार 20 साल से जब से मैं इनको देख रहा हूँ ये वैसी की वैसी ही दिख रही है। मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर लगी हुई है। मेंटल पीस यार इस चीज को कहा जाता है जहाँ पर यार नीचे से आग लगी हुई होती है और ऊपर से यार घेरा हुआ होता है, ठीक है? ये जो तुम देख रहे हो इसको यार मेंटल पीस कहते हैं। मेरे दादाजी के सर पर पगड़ी थी और उन्होंने यार ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे, और उनकी यार लंबी सफेद बड़ी बड़ी दाढ़ी थी जो कि उनके छाती तक आती थी, और वो यार एटलीस्ट 100 साल के दिखते थे, और उनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि एक समय पर इनकी पत्नी या फिर इनके बच्चे होंगे। उनको देखकर बस यही फील होता था कि इनकी ना बहुत सारी पोता और पोती होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि एक समय पर ये जवान होंगे और इनकी यार पत्नी होगी या फिर इनके बच्चे भी होंगे। उनकी फोटो यार बुढ़े वाली फील देती थी, तो ऐसा लगता था कि बस इनकी ढेर सारी पोता पोती होगी, बच्चे बच्चे तो होंगे ही नहीं इनके। और जहां तक मेरी दादी की जवान और खूबसूरत होने की बात रही, तो ये विचार यार मेरे दिमाग में ना उलट फेर है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि यार कैसे यार मेरी दादी जवान हो कैसे सकती है। मैं 20 साल से देखते आ रहा हूँ ऐसी की ऐसी बुढ़ी दिखती है, ये जवान कैसी हो सकती है? 20 सालों में तो इसके चेहरे पर कुछ बदलाव ही नहीं आया। मेरी दादी हमेशा अपने बचपन के गेम के बारे में बताती थी कि जब मैं बच्ची थी तो मैं ये खेल खेला करती थी, और ये सब बातें ना उनके मुंह से शोभा देती नहीं थी, एकदम बेतुकी लगती थी। ये सब चीजें जब वो बताती थी तो मुझे लगता था कि मैं कोई कहानी कोई ग्रंथ सुन रहा हूँ, जो कि अक्सर मेरी दादी सुनाया करती थी। मेरी दादी हाइट में छोटी थी, थोड़ा सा मोटी थी और झुकी हुई रहती थी, मतलब उनके जो कुबर हैं वो झुके हुए रहते थे। अब बूढ़ी हो गई तो ऑब्वियसली उनकी कुबर जो है वो झुक गई होगी, और उनके चेहरों पर झुर्रियां एकदम जाल की तरह थी जो इधर उधर बिखरी हुई थी। जब से हमने उन्हें देखा है वो वैसी की वैसी ही दिखती है, एकदम बूढ़ी। वो इतनी बूढ़ी है कि इससे ज्यादा और बूढ़ी हो ही नहीं सकती, 20 सालों से बिल्कुल वैसी की वैसी दिख रही है। भले वो कभी प्रीटी रही हो या नहीं रही हो, लेकिन वो हमेशा से ब्यूटीफुल रही है। इस लाइन का मतलब ये है कि भले ही वो चेहरे से कभी खूबसूरत रही हो या नहीं रही हो, लेकिन मन से अपने दिल से हमेशा ही खूबसूरत थी, हमेशा ही साफ थी। उनके मन में कोई भी भेदभाव नहीं था, वो मन से बहुत ही साफ थी, बहुत ही खूबसूरत थी। चेहरे से भले ही ना हो लेकिन मन से थी। वो धब्बे रहित सफेद कपड़े पहनती थी और अपने कुबर को संतुलित करने के लिए एक हाथ कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ से माला को गिनती रहती थी, और घर में इधर उधर घूमती रहती थी। पूजा पाठ का ना बहुत शौक था यार मेरी दादी को। चांदी जैसे सफेद बाल थे, चेहरे पर पीली झुर्रियां थी, और उनका होठ हमेशा एक भजन गाती रहती थी। मतलब वो हमेशा प्रार्थना करती रहती थी, भगवान के भजन भजन गाती रहती थी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे रामा रामा रामा, ऐसा कुछ गाती रहती होगी वो। बिल्कुल एकदम माउंटेन में विंटर लैंडस्केप के जैसे प्रतीत होती थी, शांत और शुद्ध, जिनकी सांसों में शांति और संतोष समाया हुआ था। मेरी दादी और मैं ना बहुत अच्छे दोस्त थे। जब मेरे माता पिता शहर चले गए रहने के लिए, तब उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया, और हम लोग लगातार एक साथ रहते थे। वो मुझे सुबह सुबह जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब वो मुझे नहा रही होती थी या फिर कपड़ा पहना रही होती थी, तब वो कालीन वंदना की गीत गाती रहती थी, इस आशा में कि मुझे वो चीज़ याद हो जाए। लेकिन मैं उस गीत को इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती थी, बल्कि इसलिए नहीं कि मुझे उसको सीखना है। मैंने कभी भी उस गीत को सीखने की कोशिश नहीं की। मुझे तैयार करने के बाद वो मेरा सिलेट लेके आती थी, जिसे वो ऑलरेडी साफ कर चुकी होती थी, उस पर येल्लो चौक से प्लास्टर कर देती थी, और एक छोटा सा इंक पोट और लाल कलम लेके आती थी। इन सब चीज़ों को एक साथ बांध कर पोटली में मुझे थमा देती थी। स्लेट यार मिट्टी से बना होता है, मिनी ब्लैकबोर्ड मान लो, जिस पर यार लोग चौक से लिखते हैं। बचपन में सब इसी पर लिखते हैं। सुबह का नाश्ता काफी भारी होता था। वो मेरे लिए बासी रोटी में बटर और शुगर लगा देती थी, और मेरे साथ साथ गांव के कुछ कुत्तों के लिए भी बासी रोटी ले लेती थी, और हम लोग स्कूल चले जाते थे। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। पुजारी हमें अल्फाबेट्स यानी कि ABCD सिखाते थे, और मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे, जहाँ पर सारे बच्चे बरामदे में दो कतारों में बैठ जाते थे और हम लोग अल्फाबेट्स और जो है मॉर्निंग प्रेयर को एक सुर में गाते थे। वहीं दूसरी ओर मेरी दादी मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक किताबें वगैरह पढ़ती थी। जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता तो हम लोग एक साथ घर की ओर चल देते। वहीं मंदिर के गेट पर ही गांव के कुत्ते जो है वो आ जाते थे और हमारा पीछा करते थे, ताकि हम उनको चपाती दे सके, और जो चपाती हम उनके लिए लेके आते थे वो उनको वहां पर दे देते थे। वो कुत्ते उस चपाती के लिए आपस में लड़ते झगड़ते हमारा पीछा करते थे। जब मेरे माता पिता शहर में बस गए तो उन्होंने हमें बुलावा भेजा, और वो टाइम मेरी और मेरी दादी की दोस्ती के बीच का एक इम्पोर्टेंट टाइम था, क्योंकि उसके बाद से ना उनकी दोस्ती ना धीरे धीरे कम होती चली गई। अब कैसे कम होती चली गई वो हमें अब आगे पता चलेगा।
हम लोग शहर चले गए और वहीं पर रहने लगे। हालांकि मैं और मेरी दादी एक ही रूम में रहते थे, लेकिन फिर भी काफी समय से वो मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था और बस से ही जाया आया करता था। वहां पर गली में कुत्ते भी नहीं थे, तो शहर वाले घर के आंगन में दादी ने स्पैरोस को रोटी खिलाना शुरू कर दिया। स्पैरो यार एक तरह की चिड़िया होती है, ठीक है, बर्ड। जैसे जैसे साल बीतता गया, हमारा मिलना धीरे धीरे कम होता चला गया। कुछ समय के लिए उन्होंने मुझे सुबह सुबह जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा, लेकिन फिर वो भी धीरे धीरे छूट गया। जब मैं स्कूल जाता और स्कूल से वापस आता तो वो मुझसे सवाल करती कि आज तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया, तो मैं उनको कुछ अंग्रेजी के शब्दों के बारे में बताता और फिर मैं उनको बताता कि आज मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में सीखा, आर्किमिड प्रिंसिपल के बारे में सीखा और जो हमारा अर्थ है वो गोल है, इसके बारे में मैं उनको बताता था। लेकिन इन सब चीज़ों से वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो मेरे लेसन में मेरा हेल्प नहीं कर पाती थी। जो भी चीज़ स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाता था वो उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती थी। वो इस बात से परेशान थी कि स्कूल में भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। वो इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। हाँ यार, मुझे भी ऐसा लगता ना कि यार हमारे स्कूल वगैरह में भी ना ईश्वर के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब संस्कृत वगैरह सिखाते या फिर गीता का ज्ञान देते तो बहुत अच्छा होता। खैर जो भी है छोड़ो। मैंने उनको खुश करने के लिए ये भी बताया कि हमारे स्कूल में म्यूजिक भी सिखाया जाता है, तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में सिंगिंग वगैरह सिखाई जाती है वो एकदम ही बकवास चीज़ है, वो भले लोगों के लिए नहीं है। पता नहीं कौन कौन सा गाना गाता रहता है, हमें प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, भगवान का भजन वजन का तो नाम ही नहीं लेता छोरा। क्योंकि यार उनकी दादी को ऐसा लगता था कि जो भी सिंगिंग वगैरह स्कूल में सिखाई जाती है वो बहुत ही बकवास है, क्योंकि वो लोग भगवान का भजन नहीं सिखाते हैं बल्कि दूसरा चीज़ सिखाते हैं, तो वो सब उनके लिए मायने नहीं रखती है। हालांकि मेरी दादी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी चुपके का अर्थ यही था कि वो मेरी इन सब बातों से असमर्थ है। उसके बाद वो मुझसे कभी कभी बात करती थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया तो मुझे एक सेपरेट कमरा दे दिया गया और हमारी दोस्ती के बीच में जो कॉमन कनेक्शन था वो भी टूट गया। मेरी दादी ने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और अब वो दिन भर चरखा चलाती रहती थी। वो जो चरखा होता ना जो गांधी जी चलाते थे वो चलाती रहती थी। वो शायद ही किसी से बात करने के लिए उस चरखे को छोड़ती थी, वरना दिन भर चरखा चलाती रहती थी। पागल हो गई थी बुढ़िया। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक दिन भर बैठकर चरखा चलाती और सूत काटती और भगवान का प्रार्थना करती थी, मतलब कि यार मन ही मन भजन वजन गाती रहती होगी। केवल वो दोपहर में कुछ समय के लिए उठती थी ताकि चिड़ियों को खाना दे सके। जैसे वो बरामदे पर बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती, वैसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चिड़िया जो है उनके आजू बाजू आकर इकट्ठे हो जाते थे और ची 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 करके ना सचमुच का एक पागल खाना बना देती थी। कुछ चिड़िया आकर उनके टांगों पर बैठ जाती तो कुछ चिड़िया आकर उनके कंधों पर बैठ जाती। मेरी दादी मुस्कुराती रहती थी लेकिन उनको कभी भी भगाती नहीं थी, क्योंकि इस चीज से उनको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती थी। वही आधा घंटा उनके पूरे दिन का सबसे आनंदमय समय था, मतलब वही आधा घंटा ना उनको बहुत ही अच्छा लगता था। चिड़ियों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको रोटी के टुकड़े खिलाना, उनके शरीर पर आकर वो चिड़िया बैठती थी तो बहुत ही अच्छा लगता था। जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो मुझे यकीन था कि मेरी दादी परेशान हो जाएगी। 5 साल के लिए मुझे मेरी दादी से दूर रहना था और उनकी अवस्था में कोई भी विश्वास से कुछ भी नहीं कह सकता था, लेकिन मेरी दादी बता सकती थी। वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आई, मेरे माथे पे किस किया और कुछ भी नहीं बोला, और ना ही उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन था, कोई भी हाव भाव नहीं था। बस उन्होंने एक ही लाइन कहा होगा, जीते रहो पुत्र, बाप का नाम रोशन करना, जीते रहो जीते रहो। उनके ओठ प्रार्थना में व्यस्त थे, वो मन ही मन भगवान की कीर्तन और भजन गा रही थी और एक हाथ से अपने माले को गिन रही थी। उनके उस किस को मैंने आशीर्वाद समझकर रख लिया। मुझे लगा कि 5 साल में काफी कुछ बदल जाएगा, मेरी दादी और बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं 5 साल बाद घर वापस लौटा तो स्टेशन पर ही मेरी मुलाकात मेरी दादी से हुई। वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी, एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई थी। उनके पास अभी भी कुछ कहने के लिए समय नहीं था। जब उन्होंने मुझे बाहों में लिया तो मैंने ये महसूस किया कि वो अब भी भगवान के कीर्तन और भजन गा रही थी, मतलब कि भगवान की प्रार्थना में अभी भी व्यस्त थी। मेरे घर आने के बाद भी उनका सबसे आनंदमय समय जो है वो चिड़ियों के साथ ही था। वो पहले से ज्यादा अब चिड़ियों के साथ समय बिताती थी और गालियां देकर चिड़ियों को चिल्लाती रहती थी। लेकिन मैंने उस शाम उनके अंदर एक बदलाव देखा। उन्होंने प्रार्थना नहीं किया बल्कि आसपास के जितने भी औरतें हैं उनको इकट्ठा किया और एक ढोलक लेकर गीत गाना शुरू कर दिया। वो घंटों तक उस फटे हुए ढोल को पीटती रही और योद्धाओं के घर आने का गीत गाती रही। हमने उन्हें जरूरत से अधिक मानसिक दबाव से बचने के लिए चुप कराया और गाने को बंद करवा दिया। जब से मैं उन्हें जानता हूँ तब से लेकर आज तक ये पहली बार था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। अगले ही सुबह वो बीमार हो गई, हल्का बुखार था। डॉक्टर ने हमें बताया कि थोड़ा सा बुखार है, उतर जाएगा, लेकिन मेरी दादी बिल्कुल अलग सोचती थी। उन्होंने कहा कि मेरा अंत बहुत ही नजदीक है। उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षण में प्रार्थना करना भूल गई। उनके पास हमसे बात करने का फालतू समय नहीं था। हमने उनका विरोध किया कि अरे नहीं दादी, तू अभी थोड़े ना मरेगी, अभी तो तू बहुत दिन जिएगी, ये सब फालतू बातें मत कर। लेकिन उन्होंने हमारी विरोध को नकार दिया। वो बिस्तर पर शांतपूर्वक लेटी रही और भगवान की प्रार्थना करती रही और माला जप रही थी। इसके पहले कि हमें शंका होता, उनकी होठों ने हिलना बंद कर दिया। उनकी बेजान उंगलियों से माला गिर गया, चेहरा एकदम शांत और पीला पड़ गया। हम समझ गए कि वो मर चुकी है। हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और परंपरा के अनुसार जमीन पर लाल कफन से ढक दिया।
कुछ घंटों तक हमने रोया धोया किया गे दादी कहाँ चल गेली गे दादी गे दादी। और कुछ ही घंटों के पश्चात हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया और उनकी दाह संस्कार के प्रबंध करने में चले गए। शाम को हम दाह संस्कार के लिए अर्थी लिए हुए उनके कमरे में दाखिल हुए। सूर्यास्त हो चुका था। बरामदे और उनके कमरे में एक अलग सी चमक थी। हम आंगन में ही रुक गए। पूरे बरामदे तथा कमरे तक ठीक वहां तक जहां वो कफन में ढकी हुई थी चिड़ियों से भरा हुआ था। छत पर हजारों चिड़िया बैठी हुई थी। कोई भी चहचहाट नहीं थी, एकदम शांत था। हमें चिड़ियों के लिए दुख हुआ। मेरी माँ चिड़ियों के लिए रोटी ले गई और जैसा कि मेरी दादी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती थी वैसा ही तोड़ कर चिड़ियों को दे दिया। चिड़ियों ने उन रोटी को छुआ तक नहीं, उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब हम अपनी दादी के बॉडी को लेकर चले वैसे ही सारी चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अगले दिन सफाई कर्मचारी ने सारे रोटियों को एक जगह इकट्ठा किया और कूड़ेदान में फेंक दिया। तो बस यार यही पे तुम्हारी ये कहानी खत्म हो गई। क्या तुमने एक बात पे ध्यान दिया कि चिड़ियों ने यार खाना नहीं खाया? ऐसा क्यों हुआ तुम मुझे नीचे कमेंट में बताओ। मुझे लगता है कि हमारे राइटर की जब दादी मरी तो शायद उन चिड़ियों को भी बहुत दुख हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने उस रोटी पर ध्यान भी नहीं दिया। बाकी तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नीचे कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। और हाँ यार, अगर तुमने अपने भाई के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्री का है। और हाँ यार, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।